जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इस सेशन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, चरक जो है ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और चरक की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, पूछा जाता है। यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, चरक संहिता। ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है, चरक की पुस्तक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, उस तेल क्षेत्र का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? तो ये असम राज्य में स्थित है, डिब्रूगढ़ जिले में। तीसरा प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो तीसरे का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बंदा यूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? बंदरगाह को ही पतन बोला जाता है। तो देखिए, आपको बताते हैं पूर्वी तट के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सभी जो है पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विशाखापट्टनम, ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही जवाब है। कांडला जो है ये बंदरगाह गुजरात में पड़ता है और ये पश्चिमी तट की बंदरगाह है, ध्यान रखना है। भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे चौरी चौरा की घटना कब होती है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? तो छठे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना 1897 में की थी। तो ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन में आगा खान दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल की जो अवधि है 6 वर्ष है, याद रखना है, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाएगा रिटायर हो जाएंगे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है 6 वर्ष, ध्यान रखना है। भारत में डल झील कहाँ स्थित है?
तो देखिए डल एक झील है जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और डल झील जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और बाकी सभी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है ये जो है राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो देखिए लक्षद्वीप जो है ये केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करें पुदुचेरी, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भी जैसे कि आपका बच गया दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई थी। तो देखिए बात करें 11वें प्रश्न का आंसर, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है, तो देखिए बात करें फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। रुपया जो है ये भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्रा है। येन जो है आप सभी जानते हैं ये जापान की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो 13वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड केनिंग। चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है ये किसके लिए विख्यात है। तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित चितरंजन जो है लोकोमोटिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकोमोटिव इंडस्ट्री। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इस प्रकार से डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। 1952 से लेकर 1962 तक भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते ये इस अवधि के दौरान राज्यसभा का भी सभापति थे। तो सही जवाब होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी ऑप्शन सही जवाब है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बाद में 1962 से लेकर 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे। विश्व शांति स्तूप स्थित है, चलिए आंसर बताएंगे कहाँ स्थित है विश्व शांति स्तूप। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ये राजगीर में स्थित है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। तो भूखंड के दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान बिल्कुल है ही नहीं। चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। तो देखिए 24 अप्रैल 1993 से भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम एवं दिल्ली में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ऑप्शन में नागालैंड दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है।
तो देखिए 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1972। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 1972 से भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण बंद कर दिया। भारत में वेदांथांगल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये जो पक्षी विहार है ये स्थित है तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में। सही जवाब है सी ऑप्शन। खालिस्तान ने राज्यों का एकीकरण किया? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह, जो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था किस आंदोलन में? तो बारदोली आंदोलन में। कब हुआ था? 1928 में। महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? सही जवाब है क्षत्रिय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर का जन्म कब हुआ था, कब कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है, हमने बताया था आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके फलस्वरूप दिन एवं रात होते हैं। तो सही जवाब है पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन। महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन सा था? चलिए आप सभी 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे बड़ा बंदरगाह है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो देखिए ध्यान रखें 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। अंडमान एवं निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ध्यान दीजिए यहाँ पर राजधानी सिर्फ नहीं पूछ रहा है, न्यायिक भी शब्द जुड़ा हुआ है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप की शीर्ष न्यायिक संस्था कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच है, जिसे पोर्ट ब्लेयर से संचालित किया जाता है और इसकी न्यायिक राजधानी जो है कलकत्ता है। और कलकत्ता 1956 से अंडमान निकोबार द्वीप की न्यायिक राजधानी है, ध्यान रखना है, सिर्फ राजधानी नहीं पूछ रहा है, वर्ड पे ध्यान दीजिए। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये प्राप्त हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत भ्रमण पर आए हुए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृतांत में किया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृतांतों में किया है। सही जवाब है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? सही जवाब है ऑप्शन डी 17 जिले थे, वर्तमान समय में 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है देश रत्न की उपाधि दी गई है। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सा है? तो देखिए बिहार की अगर बात करें प्रथम फिल्म तो ये पुनर्मिलन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस फिल्म का निर्माण 1931 में हुआ था। प्राकृतिक गैस की संरचना है, चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्राकृतिक गैस में मीथेन जो होता है 95% होता है, इथेन, प्रोपेन और इसके साथ ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। तो सही जवाब है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है? यहाँ पे इस तरह से होगा मुड़ती है। तो देखिए प्रकाश की किरण प्रिज्म से दो बार परावर्तित होती है जिसके कारण दो बार मुड़ती है। सही जवाब है बी ऑप्शन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र तो ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं K2Cr2O7, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से होती है? तो 1914 से समाप्ति 1918 में। और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे नाम लिख देते हैं मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ध्यान रखेंगे मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। संपूर्ण शून्य पर इलेक्ट्रॉन की वांछित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है फर्मी ऊर्जा, डी ऑप्शन सही जवाब है। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका कारण है स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेग, यहाँ पे आवेग होगा टाइपिंग एरर है, कोई आवेग नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो देखिए न्यूट्रिनो में विद्युत आवेग नहीं होता है और उनका द्रव्यमान शून्य से थोड़ा ही कम होता है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन न्यूट्रिनो। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ है? यहाँ पे इस तरह से होगा क्या हुआ है। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी हुआ है, सही जवाब है बी ऑप्शन। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ध्वनि का तारत्व जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन सही जवाब है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो देखिए इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे पूछा गया प्रश्न है कोबाल्ट ऑक्साइड। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है कैल्शियम। अगला प्रश्न है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या नया शब्द बनेगा? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे अति और धन आचार, तो आचार शब्द में ये जो उपसर्ग अति को जोड़ रहे हैं तो इससे क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है असहनीय दुख होना। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है?
तो प्रस्तर का पर्यायवाची होता है पाषाण होता है, पाहन होता है, उपल होता है, शिला होता है, लेकिन उत्पल नहीं होता है। लास्ट प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ऑप्शन बी में है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।